Shukriya, salam, namaste, sat sri akal. Inqilab zindabad. मुझे आप सबको मुझे कहा गया था कि आप आइएगा तो हौसला अफजाई करिएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, मैंने आपसे हौसला ले लिया है बहुत सारा. और हौसला बांटने से और बढ़ता है, जैसे प्यार बांटने से और बढ़ता है. अब मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप इतने दिनों से यहाँ बैठी हैं, डटी हुई हैं. और उन हुक्मरानों को ये बता दो, जब आप औरतों को सड़कों पर लाते हो तो संसद जरूर खाली होता है. हमारे गांधी जी हैं जिन्होंने कहा था कि खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं. खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं. हम वो बदलाव बन के आए हैं कि हम सड़कों पर भी आ सकते हैं, हम अपना अपने घर का भी ख्याल रख सकते हैं, अपना देश का भी ख्याल रख सकते हैं और आगे वाली पीढ़ी को भी उत्साहित कर सकते हैं कि हर एक काम कीजिए पर सतर्क रहिए, क्योंकि देश पर कोई हमला करे तो उसका ख्याल रखने के लिए आपको सड़कों पर भी आना होगा. इससे मैं आगे भी एक बात कहूंगी, लेकिन उससे पहले हम CAA NPR NRC पर जाएंगे. और उससे भी पहले मैं कुछ बात करना चाहूंगी कि अभी हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लाठीचार्ज हुआ, हौजरानी में लाठीचार्ज हुआ, दिल्ली में. बहुत जगह जुल्म होता है, जब जुल्म होता है तो दुख होता है, लेकिन जुल्म होता है तो वो हमें कमजोर नहीं, वो हमें और मजबूत कर देता है. क्योंकि जुल्म उसी पर होता है जो सच्चा होता है. अगर आप झूठ बोल रहे होते, आप बेवजह बोल रहे होते तो आपकी फिक्र कोई भी नहीं करता, सरकार को फर्क भी नहीं पड़ता, आप बैठे रहते हैं. क्योंकि आप सच के साथ है इसलिए वो घबरा रहे हैं. वो सोच रहे थे कि अरे हम चुपचाप ये कर देंगे, वो कर देंगे, किसी को समझ नहीं आएगा, जनता तो सो रही है तो सब कुछ सही रहेगा. पर जनता सोई हुई थी, जमीर सोया हुआ था हमारा, जमीर मरा नहीं हुआ था. और मरे हुए जमीर को जगाना मुश्किल है, पर सोया हुआ जमीर जाग जाता है. मेरी आवाज थोड़ी बैठी हुई है पर मुझे लगता है आपको देखकर मेरा हौसला जरूर और ज्यादा उठ गया है. जो जमीर से मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ मुसलमान ही यहाँ पर हैं, ऐसा तो नहीं है. हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सब कंधे से कंधा मिलाकर है. और ऐसे बहुत सारे लोग वो भी हैं जो घरों में बैठे आप सबको देख रहे हैं, आप उनका हौसला हैं. वो बहुत सारे लोग हैं जो कमरे से बाहर आने से डर रहे हैं पर वो आपके साथ हैं. वो उसका एक मिसाल के तौर पर मैं दिल्ली की बात करूंगी, क्योंकि दिल्ली ने उनको बाहर फेंक दिया कि हम आपको अपनाएंगे नहीं. आप जितनी बार हिंदू मुसलमान करेंगे हम उतनी बार कहेंगे कि हम भारतीय हैं. जुल्म होता है तो मुझे सिर्फ एक ही, हमारे जब हम स्कूल में होते थे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे छोटे बच्चे भी बैठे हैं, स्कूल में होते तो हम एक प्रेयर गाया करते थे, जब जुल्मों का हो सामना तब तू ही हमें थामना, वो बुराई करे हम भलाई भरे, नहीं बदले की वो भावना, बढ़ उठे प्यार का हर कदम. क्या बात है, ये जो प्रेयर है इससे हम हमेशा हौसला लेते हैं, क्योंकि इस प्रेयर को हमने अपने बचपन से गाया है. पर जब मैंने इसको कुछ दिनों में पहले सुना था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे सुनकर कि ये तो मैं बचपन से गा रही हूँ पर ये अब बहुत जरूरत पड़ रही है इसकी मुझे, ये तो मेरे अंदर से था. तभी वो कहते हैं कि वो चाहते हैं हमें कि हम भारत से निकाले जाएं, पर वो ये नहीं समझ पाते कि भारत से भी निकाल लोगे पर हम में से भारत कैसे निकालोगे. अब इसी से सारी बातें करने से पहले मैं CAA NPR और NRC पर जरूर बात करना चाहूंगी, क्योंकि थोड़ा सा हम सोचते हैं कि बैठ बैठ कर थक गए हैं, थकावट हो रही है, तो हम सोच रहे हैं कि वापस चले जाते हैं तो सरकार तो मान नहीं रही है, एक इंच भी पीछे नहीं ले रही है. अरे वो बेचारी परेशान है, अगर वो एक इंच पीछे लेगी तो आपको पता नहीं हम कि एक इंच पीछे खाई है, वो कैसे ले एक इंच पीछे. आप जब आप झूठ पे झूठ बोलते हो, झूठ पे झूठ बोलते हो तो क्या होता है कि कभी कभी वो झूठ सच लगने लग जाता है जो उनको सुनते हैं, कि इतनी बार बोला सच होगा. पर इसकी एक खासियत होती है कि इतनी बार झूठ बोलने से कभी कभी आपको खुद लगने लग जाता है वो सच है, वहां गड़बड़ हो जाती है. वहां जब हमको खुद लगने लग जाता है वो झूठ सच है ना,
तो हम पीछे भी नहीं ले पाते, हम इतनी आगे पहुंच जाते हैं झूठ बोल बोल के कि एक कदम पीछे लेंगे तो खाई और फंस जाएंगे। और इसलिए जब जब आपको बोलते हैं कि आप बेबुनियाद यहाँ पर बैठे हैं, तो मैं अभी हाल ही में हमारे चीफ जस्टिस है बॉम्बे हाईकोर्ट के, हाईकोर्ट जो है हमारा, वहाँ पे हमारे जस्टिस बोलते हैं, जज बोल रहे हैं कि आप ऐसे नहीं बोल सकते कि जनता बेबुनियाद बैठी हुई है, आप ऐसे नहीं बोल सकते वो एनआरसी से डर क्यों रही है, वो बेवकूफ है, ऐसा नहीं बोल सकते। और उन्होंने अभी बोला है, वो जज है, वो कल रिटायर होंगे 24 को, तो उनको बोला है कि आप ऐसे नहीं बोल सकते, सरकार ऐसे नहीं बोल सकती, ये जो डर है सरकार ने खुद डलवाया था। और ये जो सरकार अगर पार्लियामेंट में बोल रही है तो उसकी जवाबदेही सरकार को, सरकार है उस चीज के लिए जवाबदेही, क्योंकि उन्होंने ही पार्लियामेंट में ये बात उठाई थी एनआरसी की। हम अब सीए एनपीआर एनआरसी कैसे हम पर परेशान करेगा हमें, वो तो हम समझेंगे ही, पर जब जज भी बोल रहे हैं कि आपको जवाब देना पड़ेगा, आप संवैधानिक मूल्य को खराब कर रहे हैं और संविधान पर चोट कर रहे हैं, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, लोग सड़कों पर आ रखे हैं, आपको उनका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है, ये लोगों का राज है, ये राजाओं का राज नहीं है अभी जमाने में। और ये भूल जाते हैं, इसलिए तो कहते हैं हम इतने साल तक राज करेंगे, अब इतनी बार बोल गए कि खुद भूल गए कि ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में आप सेवक होते हैं, अगर आप सेवक हैं तो आप मालिक से नहीं पूछ सकते कि आपका इस घर पर मालिकाना हक क्या है। अब मैं आती हूँ सीएए पर, क्योंकि इस पर बात करना बहुत जरूरी है, वो चाहते हैं कि आप इस पर बात मत करें, वो चाहते हैं कि आप इस पर कंफ्यूज रहें, वो चाहते हैं कि आप जानकारी ना मिले आपको, और जानकारी मिले यही हमारी सबसे बड़ी हथियार है, कि हमारे पास जानकारी है, हमारे पास एजुकेशन है, हमारे पास पढ़ाई है, और हमारे पास उस पढ़ाई की कीमत करने वाले लोग सामने बैठे हैं। सीए पर शुरू करूंगी, बहुत सरल भाषा से समझाने की कोशिश करूंगी। सीए का अंग्रेजी में बोलते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, नागरिकता संशोधन कानून 2019। ये कानून है, बन चुका है, पार्लियामेंट में पास हो चुका है, और हमारे राष्ट्रपति ने दस्तखत कर दिए हैं। अब वो कहते हैं कि जब कानून ही बन चुका है तो आप मुखालफत कैसे कर रहे हैं, ये पार्लियामेंट, ये संसद जो है, ये भी तो डेमोक्रेसी का पार्ट है, लोकतंत्र का पार्ट है, आप कैसे मुखालफत कर सकते हैं? तो हमारे पास इसका जवाब है, हम कहते हैं कि जिस संविधान को बचाने हम निकले हैं, उस संविधान ने इस संसद की वजूद बताई है। अगर संसद किस तरह से, संसद के अंदर बैठे लोग संविधान पर चोट करेंगे, तो संवैधानिक हक बनता है हमारा कि हम संविधान को बचाने के लिए उस संसद से बने कानून को खारिज करना। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो हमारे जजेस को अपॉइंट करने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट में कौन सा जज रखा जाएगा, ऐसा एक कानून आया था अभी, और वो कानून बन गया था, राष्ट्रपति ने उस पर दस्तखत कर दिए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको असंवैधानिक कह के खारिज कर दिया था। ये एक ही मिसाल दे रही हूँ, ऐसी बहुत मिसालें हैं। तो आप संवैधानिक कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, जो आपको कह रहे हैं कि वो आप अभी असंवैधानिक है, तो वो असंवैधानिक तरीके से आपको बोल रहे हैं कि आप असंवैधानिक है, वो असंवैधानिक है क्योंकि उन्होंने संविधान नहीं पढ़ा है ना, दिक्कत ही यही है, पढ़ा होता तो उसकी मतलब को समझते, उसके मूल्य को समझते, क्योंकि उन्हें ही नहीं पता कि संविधान के वजूद, उनका भी वजूद उस संविधान से आया है। अब नागरिकता कानून जो है, नागरिकता कानून तो हमारा 1955 से है, कोई बहुत नई चीज नहीं आई है, 1955 से नागरिकता कानून हमारे इस देश में है, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं। पर संशोधन कानून क्या कहता है कि उसमें कुछ बदलाव किए जाते हैं। क्या क्या बदलाव किए जाते हैं बहुत ध्यान से सुनेगा। आप दो लफ्ज बहुत ज्यादा सुनते हो इस सरकार से, हमारे होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री ने ये दो लफ्ज बहुत बार जरूर यूज किए हैं, शरणार्थी, घुसपैठी, दो लफ्ज बहुत बार यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं ये दो लफ्ज। और शरणार्थी और घुसपैठी में बहुत फर्क है। शरणार्थी वो होता है जिसको दूसरा देश कोई दबाए, उसके हक छीने, तो वो जान बचाने के लिए पड़ोस के देश में आ जाए कि मुझे मेरी जान बचाइए और मुझे शरण दीजिए। तो जैसे भारत में काफी सारे शरणार्थी ऐसे आते हैं, पहले भी आते थे, अभी भी आते हैं,
और भारत उनको हमेशा शरण देता है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ। अब रही बात, और इसका मिसाल मैं देती हूँ आपको, आप मिसाल के तौर पर एक नाम लीजिए। तो मिसाल के तौर पर हम जानते हैं दलाई लामा, वो शरणार्थी थे इस देश में। उनको चाइना, उनको मरने का डर था, चाइना उनको मारना चाहती थी, टिबेट से वो हैं। तो वो आए और उन्होंने बोला भारत मुझे बचाओ, क्योंकि मैं इस देश में शरण लेना चाहता हूँ। और भारत ने अपने बाहें खुली रखी और शरणार्थी को शरण दिया। अब रही बात, वो कहते हैं भारत माता की जय, तो वो भारत को अपनी माँ समझते हैं। समझिए, सबका अपना अपना आस्था होता है, वो भारत को माँ समझते हैं। तो वो ये भी समझे कि माँ में ममता होती है और ममता बच्चों में फर्क नहीं करती है। आप में से ऐसी कौन सी माँ है जो बच्चों में फर्क कर जाए? ऐसी तो नहीं है। तो इससे पता चलता है कि वो माँ की भी इज्जत नहीं करते हैं अपनी। अब रही बात घुसपैठी की, घुसपैठी वो होता है जो कानून का उल्लंघन करके इस देश में घुसा हो। जैसे आप अगर पराए देश में जाते हैं तो आपको वीजा लगता है ना, दस्तावेज लगते हैं। अगर आपके पास वीजा नहीं है या वीजा का कोई वक्त है वो खत्म हो गया है, तो आप उसके बाद इलीगल इमिग्रेंट कहलाएंगे, घुसपैठी कहलाएंगे। वो यही कहेंगे ना, आपने कानून का उल्लंघन किया। आपकी तारीख इस तारीख तक आप रह सकते थे इस देश में, आप इस तारीख से ज्यादा रह गए तो आप घुसपैठी हो। ये बात समझ आती है। और यही हमारे पुराने कानून में था, घुसपैठी की बात कर रखी थी, शरणार्थी की कोई बात नहीं कर रखी थी। 1955 वाले कानून में घुसपैठी की बात की है, जिसमें वो बोला है इलीगल इमिग्रेंट वो होगा, मेरा मतलब है घुसपैठी वो होगा जो वीजा के बिना इस देश में घुसा है या उसका वीजा का वक्त खत्म हो चुका है। ये बात तो सही है, सबको समझ आती है। ये इस कानून में था। अब क्या किया है, संशोधन कानून लाकर, नागरिकता संशोधन कानून लाकर उन्होंने एक और चीज इसमें डाल दी है। घुसपैठी का जो मतलब था कि वीजा के बिना आए या वीजा का वक्त खत्म हो गया आप घुसपैठी कहलाएंगे, लेकिन इन्होंने इस बार डाला, ये जो लेकिन की मैं बात बताऊंगी इसके आगे की, ये इस बार डाली गई है। लेकिन के बाद ये कहते हैं, लेकिन वो लोग घुसपैठी नहीं होंगे जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी हो। अब आप बताइए, इसमें शरणार्थी का एक भी लफ्ज नहीं है, तो घुसपैठी वो बसाना चाह रहे हैं या हम, सरकार बसाना चाह रही है? पूरा कानून पढ़ सकते हो जो ये सरकार लाई है, नागरिकता संशोधन कानून पढ़ सकते हो, उसमें शरणार्थी लफ्ज ही नहीं है। छोड़िए उसका मतलब, लफ्ज ही नहीं लिखा हुआ है। मैं हजार बार उनको पर्चे दिखा के थक गई, पर वो आंखें बंद है ना उनकी, वो देखना नहीं चाहते हैं। लफ्ज ही नहीं है। मतलब सोचिए कि मेरे माँ बाप बोले कि बेटा तेरी तरक्की के लिए और तेरी अच्छाई के लिए मैं कुछ काम करने जा रहा हूँ, ऐसा ऐसा काम है और ये मैंने पर्चे पे लिखा है, मैं ये सब तुम्हारे को दूंगा, मैं स्वाति को ये दूंगा वो दूंगा, और उस पर पर्चा पढ़ती हूँ तो स्वाति तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ। ये तो कानून है इनका, पर स्वाति के नाम पे मेरे भाई को बोल रहे हैं नहीं नहीं तू स्वाति को कुछ देना नहीं चाहती हो क्या? यही कर रखा है। फिर बोल रहे हैं स्वाति आवाज उठा रही है, देखो कितनी बदतमीज है। तो इसलिए इन्होंने शरणार्थी की बात नहीं की है, मैं आपको बहुत अच्छे से बता रही हूँ, घुसपैठी की बात की है। वो घुसपैठियों को लाना चाह रहे हैं। अब इससे एक और बात बनती है कि आप शरणार्थी और घुसपैठी में फर्क नहीं करते हैं। आप बोलते हैं कि इन छह कौमों के लोग आ जाएं और इन देशों से आ जाएं तो उनको नागरिकता मिल जाएगी 2014 से पहले अगर वो आते हैं। अब उनकी नजर में घुसपैठी भी शरणार्थी है, समझ लीजिए घुसपैठी ही शरणार्थी है। दो मिनट के लिए समझ लेते हैं कि घुसपैठी ही शरणार्थी है। तो क्या वो कहना चाह रहे 2014 के बाद कोई शरणार्थी आएगा ही नहीं इस देश में, क्योंकि उन्होंने तो तारीख रख दी है 2014 31 दिसंबर के बाद घुसपैठी आने चाहिए। अब इसमें एक और बात आती है कि अगर आप घुसपैठी को लाना चाहते हैं, देखिए उस पर कोई शरणार्थी भी हो सकता है, पर आपने कोई फर्क करने का तरीका तो नहीं लिखा ना उसमें, कौन शरण लेने आ रहा है या कौन घुस के आ रहा है। अब हम तो फिल्मों में देखते हैं तारों के नीचे से आ जाते हैं लोग, ऐसे नदी से आ जाए तो, हवा से, एयरपोर्ट से आ जाए टिकट लेके फिर इधर ही बस जाए तो, या दूसरे बॉर्डर से आ जाए तो, आप उन सबको शरणार्थी बोलेंगे? कानून तोड़ के आए हैं ना वो। तो इससे एक और खतरा पैदा होता है,
हमें पता है हम दूसरे देशों को नफरत नहीं करते आसपास के, मैं खुद नहीं करती, लेकिन हमें पता है कि सीमा पर जवान बैठे हैं क्योंकि दिक्कतें चलती रहती है सीमा पर, हमारे रक्षा करनी पड़ती है हमें अपने देश की। तो आप चाह रहे हैं वहाँ पर जवान सीमा पे खड़े रहे और आप मुखबिर ले आए अंदर, कि कल को आपने फर्क तो किया नहीं। अब समझ लीजिए, चलो आप 100 लोग लाए और उनमें से 99 शरारती हुए मान लीजिए, पर एक भी अगर गलत इंसान आ गया, और देखिए तबाही के लिए एक इंसान और एक मिनट काफी होता है, और सवारने के लिए बहुत साल लग जाते हैं। हमने बहुत साल लगा के इस देश को संभाला है, आप एक मिनट में तबाही करने देंगे अगर आप ऐसे कानून लाएंगे तो? और हम इसके बिल्कुल मुखालफत करेंगे, क्योंकि ये देश की रक्षा की भी बात आती है और आपको हमारी देश की रक्षा से कोई मतलब नहीं है। और इसका मिसाल भी यही है कि आपने इसलिए पुलवामा पर कोई आज तक इंक्वायरी नहीं कराई, हमारे जवान मारे गए वहां पर, इससे पता चलता है कि आपको देश के लोगों से कोई प्यार नहीं है, ना देश के जवानों से प्यार है। अब रही बात इस कानून में, ये देखिए बहुत बड़ी गड़बड़ की बात है ना, एक तो रक्षा की बात हो गई, एक घुसपैठी शरणार्थी की बात हो गई, फर्क नहीं है, शरणार्थी लफ्ज ही नहीं है। अब बोलते धर्म के आधारित है इसलिए क्योंकि धर्म के तरह से उनको दबाया जाता है, धर्म की वजह से मुस्लिम कंट्री है वहां पर, मुस्लिम देश है, तो वो दबाते हैं गैर मुस्लिम को। तो मैंने कहा कि तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि अगर देखिए पाकिस्तान का एक उदाहरण लेते हैं, वहां पर वो इस्लामिक देश है, अब वहां पर क्या शियाओं पर दबाव नहीं होता क्या? उन पर जुल्म नहीं होता? अहमदियाओं पर जुल्म नहीं होता है क्या? आदिवासियों पर जुल्म नहीं होता है क्या? सिर्फ क्या गैर मुस्लिम पर जुल्म होता है? तो आपको क्या उन लोगों से प्यार नहीं है जिन पर जुल्म होगा? अब आते हैं अफगानिस्तान पर, अफगानिस्तान पर हजारा मुस्लिम भी होते हैं, उन पर बहुत जुल्म होता है अफगानिस्तान, उनकी कोई बात नहीं है। फिर रही बात छोड़ी, आप अगर हम समझ लेती है कि ये सब नहीं थे, सिर्फ गैर मुस्लिम ही दबाए जा रहे थे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, तो चाइना, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार जिसे बर्मा भी कह सकते हैं, पुराना नाम है, तो ये 5 देश और हो गए, उनका कोई जिक्र नहीं है। तो आप क्या तिबेट से कोई आएंगे दबे हुए परेशान होकर, आप उनको नहीं अपनाएंगे? तिबेट से आएंगे चाइना अगर उनको मारने दौड़ेगा, या अगर म्यांमार से आएंगे आप उनको नहीं बचाएंगे, श्रीलंका से तमिल आएंगे आप नहीं बचाएंगे, वो तो हिंदू मुस्लिम दोनों होते हैं। तो दिक्कत ये है कि उनका कानून पर तो जोर कम है, संविधान की समझ कम है, और हमको उन पर तरस आनी चाहिए कि उनकी, क्योंकि उनको संविधान पर समझ कम है, उनको कानून पर समझ कम है, उनको हमारे हुकूक का मतलब नहीं पता है कि क्या है हमारे हक, और उनको एक और चीज नहीं आती है, इतिहास भी नहीं आता है वैसे तो, भूगोल भी नहीं आता है, कि आसपास के देश कौन से हैं उनको ये भी नहीं पता, हमारे आसपास के पड़ोसी देश कौन से हैं। इसलिए कहते हैं, अब उन्हीं के प्रधानमंत्री ने, उन्हीं की पार्टी से एक प्रधानमंत्री थे जो कहते थे कि हम रिश्ते बदल सकते हैं पर अपने पड़ोसी बदल नहीं सकते, वाजपेयी ने कहा था ये। तो आप इस बात से अफगानिस्तान भी बहुत परेशान हुआ है, बांग्लादेश भी बोल रहा है कि आप बताइए कि आप जो कानून ला रहे हैं उससे आप कैसे लागू करेंगे। अभी कहते हैं कि सीए से आप परेशान क्यों हो, ये तो बाहर के लोगों के लिए है ना, ये तो बाहर के लोगों को नागरिकता देने के लिए आप परेशान क्यों हो रहे हैं। इसमें एक और चीज है, अभी मैंने बताया कि 2014 के बाद कोई नहीं आ सकता, पर आ सकता है शरणार्थी और घुसपैठी नहीं, एक और तरीके का इंसान। अब हमारे देश में 5 तरीके हैं नागरिकता लेने के, 5 तरीके हैं। पहला, जन्म से, अगर आप इस देश में पैदा हुए हो तो आप नागरिकता लेने के काबिल हो। दूसरा, डिसेंट, जिसे कहते हैं आपके पूर्वज अगर इस देश में है, मतलब अगर मेरे माँ बाप नागरिक है इस देश के और मैं अपनी माँ के साथ बाहर परदेश में थी और मैं तब पैदा हुई, तो मेरा इस देश पर हक बनता है, नागरिकता लेने के काबिल हूँ मैं क्योंकि मेरे माँ बाप इस देश का देश के नागरिक है। तीसरा, रजिस्ट्रेशन से, कि आप रजिस्टर करते हैं नागरिक बनना चाहते हैं हम इस देश के, जैसे बाहर भी हम जाके काफी लोग जाते हैं तो बाहर की नागरिकता लेने के लिए करते हैं। चौथा, नेचुरलाइजेशन, ये बहुत अहम है। नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है, सरल तरीके से बताऊं तो आप रहते रहते यहाँ के हो जाते,
अब रहते रहते यहाँ के कैसे हो जाते हैं? तो आप कुछ सालों के लिए इस देश में, अगर आप बाहर से आए हो, आप आराम से रह रहे हो, कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हो, शांतिपूर्वक रह रहे हो, तो आप 11 साल कम से कम रह रहे हो, तो आप नागरिकता लेने के काबिल हो। अभी भी हक नहीं है आपका नागरिकता लेने का, पर काबिल हो आप, एलिजिबल हो नागरिकता लेने की। इसका मिसाल मैं दूंगी सबसे बड़ा मदर टेरेसा। मदर टेरेसा इस देश की नहीं थी नागरिक, पर जब इस देश में आई उन्होंने काफी काम भी किया हमारे देश के लोगों के लिए। फिर वो रहती रहती यहाँ की नेचुरलाइज सिटीजन कहलाई जाती है। वो इस तरीके से इस देश की नागरिक बनी, इसलिए वो जब मृत्यु हुई तो वो भारतीय नागरिक के तौर पर उनकी मृत्यु हुई थी। अब पांचवा तरीका होता है, अगर देश में कोई अंग जुड़ा हो तो उस अंग के जो लोग होते हैं वो भी इस देश के नागरिक हो जाते हैं। कैसे? सिक्किम आजादी में हमारे साथ नहीं था, आजादी के बाद सिक्किम जुड़ा है इस देश में, तो सिक्किम के सारे लोग कौन हुए? भारतीय नागरिक। तो जो चौथा वाला तरीका अभी मैंने बताया नेचुरलाइजेशन, जिसमें आप रहते रहते यहाँ के हो जाते हैं, पुराने कानून में ये था कि आप कम से कम 11 साल रहेंगे इस देश में शांतिपूर्वक तो आप काबिल बनते हैं नागरिकता के। अभी के कानून में क्या फर्क हुआ है कि इसमें तारीख नहीं रखी गई, इसमें बोला है कि अगर आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन और पारसियों में से कोई है, तो आप अगर कम से कम 5 साल भी रह लेते हैं तो आप नागरिकता लेने के काबिल हैं। अब देखें कि कुछ कौमों के लिए उन्होंने धन के आधार पर 5 साल किया और कुछ के लिए 11 साल किया। तो ये धर्म पे भेदभाव करते ही आप संविधान पर चोट कर देते हैं। और रही बात 2014 के बाद, तो मैं पूछना चाहती हूँ 2019 और 14 में कितने साल का फर्क है? 19 और 14 में 5 साल का। तो 14 के बाद भी कोई आया हो अगर वो 5 साल जी चुका है इस देश में, चुपचाप जी चुका है, तो वो नागरिकता लेने के फिर काबिल है। और फिर अगर गलती से वो मुखबिर निकला तो, या मुखबिर भरना, हमारा कितनी बार आए हैं हमारे पास मिसाल है ऐसे, तो मुखबिर छोड़िए, वो उल्टा सीधा इंसान आ गया नदी से, तो पहले भी आतंकवादी आए थे, उल्टा सीधा इंसान आ गया, उसने पहले अपने मंसूबे नहीं बताया, बाद में कुछ गलत कर दिया, कौन जिम्मेदार होगा इसका? सरकार होगी अगर ऐसा कानून लाएगी तो। और यही धन पर जो उन्होंने भेदभाव किया है। अब एक और तरीका देखिए, मैंने आपको खड़े खड़े 4-5 तो इसके झोल बता दिए और ये बहुत खतरनाक है। अभी तो मैंने हमारी बात ही नहीं की, अभी तो हमने ये कहा ही नहीं कि हमें अफेक्ट होगा। तो अगर वो ये भी कह देते हैं ना, चले एनपीआर एनआरसी छोड़ देते हैं हम, आप सीएए लाने देते हैं, हम तभी भी नहीं रुकेंगे, सीएए भी वापस लेना होगा, क्योंकि भाई हमको सिर्फ खुद से वो नहीं है ना, हम इतने खुदगर्ज नहीं है, हमको देश से प्यार है तो सबसे प्यार है ना, सिर्फ अपने लिए नहीं खड़े, एक दूसरे के लिए भी खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। अगर आपको चोट आई है तो मतलब मुझे चोट आई है। अब एक और झोला है सीएए में, इससे पहले मैं एनपीआर एनआरसी पे जाऊं, एक और झोला है कि असम से इन्होंने एक वादा किया था कि 1971 के बाद जो बाहर से आएंगे उनको वो असम में रहते हुए नागरिकता नहीं देंगे, पर असामियों ने ये नहीं कहा था कि अगर आप असम में रहते हो नागरिकता नहीं देंगे तो आप डिटेंशन सेंटर में फूक दीजिए, उन्होंने कहा था आप कहीं और बसा लीजिए, क्योंकि वो अपने कल्चर, असामी कल्चर से, जबान से बहुत उनको लगता था कि जबान खत्म हो जाएगी तो आप कहीं और बसा लीजिए। और पहाड़ी इलाकों में ऐसा बहुत जगह देखा आपने, उनको होता है कि इतने लोग रहने चाहिए, जबान पर खतरा है, तो हमने, उन्होंने ये भी नहीं किया, उन्होंने डिटेंशन सेंटर बना दिया और उसके बाद ये ले आए, क्योंकि तारीख 1971 की रखी थी असामियों से जब वादा किया, अब तारीख कौन सी रखी? 2014, वहां भी धोखा कर दिया आपने, अपने एक राज्य से, पूरे के पूरे राज्य से धोखा कर दिया आपने। तो ये जो धोखा करने की आदत है, झूठ बोलने की आदत है आपकी, हम रोज पकड़ते हैं, हर बार पकड़ेंगे और आपका झूठ सामने आएगा, क्योंकि हम सच के साथ खड़े हैं। और ये जो हम बोल रहे हैं ना, इसी से उनको दिक्कत है, शायद यही खड़े सुन रहे होंगे, वैसे भी नागपुर में तो उनका घर भी है, ऐसे अच्छे अगर सुन रहे होंगे कि उनको भी, उनके भी कान खुल जाएंगे, उनको भी समझ आएगा कि क्या झोल है, क्योंकि वो पढ़ते तो है नहीं, वो तो अनभक्ति में जो बोल दिया वो मान लिया।
इसलिए मैं कहती हूँ अपने दोस्त पर भी अनभक्ति नहीं करनी चाहिए, सोच समझ के अपना फैसला लेना चाहिए, तो सरकार है। अब एनपीआर एनआरसी पर आते हैं, ये देखिए मतलब वो चाहते हैं कि इतना गलत काम करता हूँ, इतना गलत काम करता हूँ और क्या करूँ कि और गलत हो जाए। तो उन्होंने बोला एनपीआर एनआरसी ले आता हूँ, ये भी तो बचा था। तो उन्होंने एनपीआर एनआरसी की बात की। अब आपको कितनी बार बोलते होंगे कि एनपीआर तो पहले भी आया था। अभी हमारी बहुत प्यारी जो जर्नलिस्ट है रुपिता जी, उन्होंने भी बोला कि एनपीआर तो 2010 में भी आया था, आपको क्या दिक्कत है 2020 में आ गया था। उन्होंने यही बात की, अभी मैं कल ही सुन रही थी उनकी बात। वो खुलेआम झूठ बोल रही है, सफेद झूठ बोल रही है, क्योंकि 2010 में जो एनपीआर आया था उसमें जमीन आसमान का फर्क है जो 2020 में आप ला रहे हैं। कैसे फर्क है ये मैं बताती हूँ। एनपीआर की फुल फॉर्म है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, आबादियों का रजिस्टर, जो आबादी है इस देश में उसका रजिस्टर। एनआरसी का फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, नागरिक का रजिस्टर। आबादी और नागरिक में भी फर्क होता है। एक तो घुसपैठी शरणार्थी में इनको फर्क नहीं पता या दिखाना नहीं चाहते, एक इन्हें नागरिक आबादी में फर्क नहीं दिखता। इसमें भी फर्क बताती हूँ। जैसे समझ लीजिए ऐसे बहुत लोग होंगे जो नेपाल से यहाँ बसे हुए हैं, काम कर रहे हैं क्योंकि उनको रोटी पानी कमाना है, पर वो नागरिक नहीं है इस देश की, पर वो आबादी में आते हैं इस देश की। नाइजीरिया से कोई पढ़ने लिखने आया हुआ है, 10 साल से यही रह रहा है, वो आबादी में आता है पर वो नागरिक में नहीं गिना जाता है। 2010 में अगर आप पढ़ेंगे तो लिखित में लिखा हुआ है 2010 का एनपीआर ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स के लिए है। रेसिडेंट्स मतलब जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं। और जो अभी 2020 का एनपीआर आया है वो सिटीजन्स के लिए है, वो नागरिक के लिए है। इसमें जमीन आसमान का फर्क है। और उसमें ये भी लिखा है एनपीआर 2020 में कि एनपीआर पहला कदम है एनआरसी की ओर। तो अगर ये बोलते हैं हमने तो एनपीआर एनआरसी की बात नहीं की, एनआरसी की बात नहीं की, एनआरसी की बात नहीं की, ऐसे कह रहे हैं ना, तो उनको कागज वो वाले तो दिखा सकते हो ना एनपीआर के। हमने तो अपने कागज नहीं दिखाने, एनपीआर के कागज दिखाओ उनको। एनपीआर का जो उन्होंने कागज दिया है गवर्नमेंट साइट में वो जाके दिखा दो। हम बोल रहे हैं हम अपने कागज नहीं दिखाएंगे, पर हम तुम्हारे एनपीआर के तो कागज दिखा सकते हैं जिसमें तुमने क्या लिखा हुआ है। देखिए हर चीज का डेमो देना जरूरी होता है, उनके हाथ पे ऐसे रख, उसके बाद भी वो वैसे झुठला सकते हैं, उनमें इतनी हिम्मत है। वो झूठ आंख में देख के बोलते हैं, वो शायद वो वही वाले बच्चे होंगे छोटे होते जो आंख में देख के माँ बाप को झूठ बोल देते होंगे, पकड़े नहीं जाते होंगे। एनपीआर में ये फर्क है। और एक और फर्क है, सिर्फ नागरिक और आबादी का नहीं, अभी खतरनाक कैसे है। पहले एनपीआर की एक्सरसाइज जो मैडम थी हमारी जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा कि ये तो रूटीन एक्सरसाइज है, सेंसस की तरह है, और ये तो पहले भी होता है, रूटीन में होता है तो फिर से हो रहा है। उन्होंने गलत बोला, वो पायलट सर्वे था, पायलट था रूटीन, रूटीन नहीं था। क्यों? पायलट का मतलब क्या होता है कि हम जब कुछ भी चीज लागू करते हैं ना पूरे देश पे, तो एक सैंपल पे लागू करके देते हैं, जैसे 1000 लोगों पर लागू करके देख लिया कि इसका असर क्या हो रहा है उन लोगों पर, ताकि हमें पता चल जाए कि देश पे मोटा मोटा क्या असर होगा। तो 2010 में यही करा था कांग्रेस की सरकार ने, उन्होंने लागू करने की कोशिश की थी कुछ जगह में, और उन्होंने ये पता चला उन्हें कि एक तो ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह था, इसलिए क्योंकि लोग बहुत गरीब है, लोग कहाँ अपने दस्तावेज दिखाएंगे, और एक ये बहुत वक्त ले रहा था, लेबर ले रहा था, उनके ऑफिसर ले रहा था, बहुत पैसा लग रहा था, और अगर पूरे देश में लगाते तो देश की नैया डूब जाती, और हमारी तो पहले ही डूबी हुई है, आप और उसको अंडरग्राउंड भेज रहे हैं। तो एनपीआर में उन्होंने जैसे ही किया कि थोड़े लोगों पर करके देखा तो उन्हें लगा ये फेलियर है, ये खराब है, तो उन्होंने वापस ले लिया कि एनपीआर पूरे देश पे लागू नहीं होगा। आपके घर आए क्या, मेरे घर आए क्या, मुझे तो नहीं याद, मेरे को तो नहीं याद कि एनपीआर मेरे साथ हुआ, कुछ लोगों के साथ हुआ था। अब ये दो, एक तो यहाँ झूठ बोला उन्होंने कि पहले भी हुआ है, अभी भी होगा, आपको दिक्कत क्या है, ऐसे ही बोलते हैं वो हमेशा। अभी उन्हें बोला कि एक तो ये पहली बार हो रहा है पूरे देश में, दूसरा ये नागरिकों के लिए है, आबादी के लिए नहीं है, वो आबादी के लिए था। तीसरा, पहले वाले एनपीआर में प्रश्न जो थे वो ऐसे थे कि आपका नाम क्या है,
आपके पिताजी का नाम क्या, आपकी माताजी का नाम क्या, आपके साथ कौन रहता है, अच्छा आपके हस्बैंड है नहीं है, आप क्या काम करती है, हाउसवाइफ है, अच्छा किस कहाँ काम करती है, उधर क्या आपकी पोस्ट है, बस। अब क्या डाल दिया इन्होंने कि आपका नाम क्या है। अगर मेरे घर आए कि जी आपका नाम क्या है, मैंने कहा अच्छा मेरा नाम स्वाति, आपके माताजी का नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, और उसके बाद आप कहाँ रहती हैं। आप समझ लीजिए मैं अकेली रह रही हूँ किसी घर में, फिर भी वो मुझसे ये सवाल करेंगे कि आप यहाँ रहती हैं, अच्छा आपकी माता जी कहाँ रहती है, आपके पिताजी कहाँ रहते हैं, अच्छा आप कहाँ पैदा हुई थी, फिर बोलेंगे आपकी माँ कहाँ पैदा हुई थी, आपके पिताजी कहाँ पैदा हुए थे, अरे तुमको क्या करने कहाँ पैदा हुए थे। पर दिक्कत ये है कि अगर वो पूछ रहे हैं कि कहाँ पैदा हुए थे तो ये उनकी सोच बताती है कि वो देखना चाहते हैं आप असल में कहाँ से आए हैं। ये वो वाली सोच भी है, जैसे ये जाति वाली जाति सोच भी, जाति और धर्म दोनों में जो फर्क करते हैं लोग कि ये कहाँ से आई है, कहाँ की दिखती है, कहाँ से असल में आई हुई है। ये जो सोच है ना हमारी, ये बहुत घटिया है, और अगर आप में से किसी की है तो निकाल दीजिए, मुझे डर नहीं लगता ये सच्चाई है। तो वो सोच पर जोर डालना चाह रहे हैं ताकि वो बता सके कि अच्छा ये यहाँ से आए, ये असल वाला इंसान है, हमारे देश में रहने लायक है, ये नहीं है। अब खतरनाक इसलिए क्योंकि एक ऑफिसर को इतनी पावर दे दिया है, इतनी हिम्मत दे दिया उन्होंने कि वो उसको ऑफिसर की मर्जी है, वो आपको कभी भी डी लिख देगा। डी मतलब डाउटफुल, कि आप पर हमको डाउट होता है, शक होता है कि आप नागरिक है या नहीं है। इसकी एक मैं मिसाल दूंगी, क्योंकि एनआरसी असम में हुआ तो एक हमारी एनआरसी की विक्टिम है जिनके साथ, जिनके पास 7 दस्तावेज थे मेरे ख्याल अपना, उन्होंने ये भी बता दिया कि उन्होंने 1967 में वोट दिया है, 70 में वोट दिया है, सब कुछ सारे जमीन दिखा दी, सब कुछ दिखा दी, और उनको बोल दिया आप नागरिक नहीं है। और ये सिर्फ एनपीआर के ऑफिसर ने नहीं बोला, एनआरसी के ऑफिसर ने, उनके गुवाहाटी हाई कोर्ट ने बोल दिया है ये। अब वो सुप्रीम कोर्ट आ रही है, उनकी जो जमीनें थी उन्होंने बेच दी, क्योंकि वो कैसे आए अगर इधर मुकदमा करना लड़ते हैं तो, मतलब आप जो गरीब है वो मुश्किल से थोड़ा सा पैसा बचा के, पैसा लगा के कुछ बनाए अपने घर में, पैसा इकट्ठा करे, आप वो पूरा पानी की तरह बहा देना चाहो, क्योंकि आप चाहते ही नहीं होगी कोई इंसान ऊपर बढ़े। और अगर एनपीआर सच में आ जाता ना बहुत पहले, तो जो अपने आप को फकीर कहते हैं वो आज प्रधानमंत्री ना बनते। वो इसलिए बने हैं क्योंकि नेहरू गांधी जैसे जो हमने इंस्टीट्यूशन पैदा किए, ऐसे ऐसे हमने संस्थान पैदा किए कि कोई गरीब तबके से भी आए, अगर वो चाहता है किसी तरह ऊपर जाने की तो वो जाने की कोशिश करे, तो वो जा सके। और आप उसी संस्थानों पर चोट डाल रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के जो मैंने, एक हाईकोर्ट का, बॉम्बे के हाईकोर्ट के जज ने ही बोल दिया कि ये तो बहुत खतरनाक है, आप एक लोगों को डराते हैं, और ये डर तो जायज है क्योंकि आप कोई ट्रांसपेरेंट नहीं है, आपने खुल्लम खास बताया नहीं है कि एनआरसी में असल में आप करेंगे क्या। अब छोड़िए एनआरसी देश वाला, असम वाला नहीं पता है एनआरसी में अभी तक क्या चाहिए था। अभी तक मुझे कोई सरकार का आके बता दे कि देखिए जो एनआरसी असम में हुआ था ना उसमें ये चाहिए था इसलिए वो नागरिक बन गए, वो ये भी नहीं बता सकते। और ये अमित शाह जी से पूछा गया था कि आप बताइए क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, वो नहीं बता पाए। उन्होंने बोला हाँ वो चिंता है सरकार की है, वो सरकार देखेगी कि कैसे करना है। क्यों देखेगी सरकार, सरकार का जरूर, सरकार की काम है कि वो बताए, वो जवाबदेही है कि वो हर चीज बताए करने से पहले। नोटबंदी आपने नहीं बताई, अपनी मर्जी से कर दी, 150 लोग सिर्फ लाइनों में खड़े होकर मर गए। और अब आप देखिए आप पूरे देश को लाइनों में डालना चाह रहे हैं, तो कितने लोग सिर्फ लाइनों में लग के कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा के ही मर जाएंगे, और कितने आत्महत्या होगी। अब आप देखिए कि अगर मेरे किसी के, मतलब मेरे पिताजी को ना खास तक अभी हमको संभाल नहीं पाए और यही चक्कर लगाते रह गए और उनके पैसे सारे खत्म हो गए, तो वो कोई इंसान होता है ना इतना परेशान हो जाता है कि अपने, मैं अपने परिवार की रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ। आत्महत्या बढ़ गया इस देश में फिर, और किसानों का तो यही हुआ है, किसानों की आपने नैया कैसे डुबाई है, उनके पास कोई पैसा ही नहीं है, उनको अपने काम का उसका पैसा ही नहीं मिलता है, तो वो फिर आत्महत्या बढ़ती है, उसके बाद लोग लाइनों में खड़े होकर मर जाते हैं। अब इसमें एक कहानी भी सुनाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सीरियस बातें कर रही हूँ तो थोड़ा डर भी लग सकता है, ऐसे लगता है ये परेशान भी कर रही है। तो एक राजा था, उसको ना अपने, हम उसके तालाब था जिसमें वो नहाना पसंद करता था,
पर कुछ सालों तक उसने नाना बंद कर दिया तो वहाँ मछलियाँ आ गई और जैसे जीव जंतु आ गए तो उसने नाना बंद कर दिया, वो तालाब वैसा वाला बन गया। अब उसमें दिक्कत ये हो गई कि वहाँ एक मगरमच्छ भी था। अब उसने बोला कि मगरमच्छ निकालना है, कैसे निकाले, डर तो बहुत लग रहा है, मगरमच्छ निकालना है, ये मगरमच्छ बहुत खतरनाक है। उसने क्या किया, पूरा तालाब का पानी निकाल दिया, सुखा दिया, सुखा दिया, सारी मछलियां मर गई। पर उस बेवकूफ को ये नहीं पता था मगरमच्छ तो बिना पानी के भी जिंदा रह लेता है। और नोटबंदी में क्या हुआ, मर जाते हैं। अब इसकी कहानी भी सुनाऊंगी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सीरियस बातें कर रही हूँ तो थोड़ा डर भी लग सकता है, ऐसे लगता है परेशान भी कर रही है। तो एक राजा था, उसको ना अपने उसके तालाब था जिसमें वो नहाना पसंद करता था, पर कुछ सालों तक उसने नहाना बंद कर दिया तो वहाँ मछलियाँ आ गई और जैसे जीव जंतु आ गए तो उसने नहाना बंद कर दिया, वो तालाब वैसा वाला बन गया। अब उसमें दिक्कत ये हो गई कि वहाँ एक मगरमच्छ भी था। उसने क्या किया, पूरा तालाब का पानी निकाल दिया, सुखा दिया, सुखा दिया, सारी मछलियां मर गई। पर उस बेवकूफ को ये नहीं पता था मगरमच्छ तो बिना पानी के भी जिंदा रह लेता है। और नोटबंदी पे क्या हुआ, जो काले धन के नाम पर हम सबको लाइनों पर लगा दिया, काले धन का कार्टून भी नहीं दिखा मुझे नोटबंदी, क्योंकि जो मगरमच्छ है उसको जीना आता है। आप ऐसे नहीं कहते थे ईमानदार गैर मुस्लिम है ना, तो उन पर ज्यादा असर होगा या मुस्लिम का असर होगा, मुस्लिम तो फिर भी सतर्क हो गया शाम पर। तो आप अगर ये सोच रहे हैं, आप हमें बोल रहे हैं नहीं हम आपके साथ खड़े तो ऐसा कुछ नहीं है, आप देश के हिंदुओं के साथ खड़े हैं, आप उनकी रक्षा कर रहे हैं। और जब तक हम तो तोड़ने की कोशिश करेंगे हम तब तक बताएंगे हम एक है और हम साथ रहेंगे, क्योंकि वो कल भी हारे थे, आज भी हारेंगे और कल आने वाले कल में भी अगर तोड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर से आएंगे। शुक्रिया।